अच्छा हैंडल अलग से देते हैं। 950 ये नए आए हैं ना? हे गाइस, आज हम चलते हैं गुजराती लेन। एंड ट्रस्ट मी, गुजराती लेन जाने के लिए आपको गुजरात जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेटेस्ट सिलेक्शंस आपको वहाँ पे मिलते हैं। एंड हमेशा की तरह मैंने बाय मेट्रो ही चूज किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी वे होता है बाय मेट्रो का। राजीव चौक में गेट नंबर 5 और 6 की साइड से आपको एग्जिट करना है जनपद एंड पालिका बाजार के लिए। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप। गेट नंबर 6 से आपको एग्जिट करना है जनपद पालिका बाजार के लिए। सामने आप देखेंगे, सामने आपको स्टेयर्स एंड एक्सीलेटर दोनों नज़र आ जाएगा। तो आज तो हम काफ़ी सारे मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो स्टेयर्स का तो रिस्क नहीं लेना है, एक्सीलेटर से ही चलते हैं। मैं अपने स्कूल डेज से पालिका बाज़ार जनपद सीपी मार्केट आती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छे से याद है एक बार हम शॉपिंग के लिए गए थे एंड तब सेंटर पार्क में हमारा इंडियन फ्लैग नहीं हुआ करता था एंड वो लग रहा था, बहुत ही खुशी हुई थी उस वक्त। एंड तब से लेकर आज तक जो हमारा फ्लैग है वो वैसे का वैसे ही लगा रहता है, बीच बीच में कभी हट जाता है कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए आई थिंक। तो आप देखेंगे सामने ही आपको गेट नंबर 1 नज़र आ जाएगा पालिका बाज़ार का। तो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 से आपको एग्जिट करना है। ये ओवरऑल आपका व्यू है एंड जो सामने ही है, सामने आपको ये लेन नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाना है एंड जैसे ही कट आएगा वहाँ पे आपको राइट टर्न लेना है। सो आपको राइट टर्न लेने के बाद 2 से 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है एंड राइट हैंड साइड में ही आपको जनपद का इस तरीके का बोर्ड नज़र आ जाएगा। रोड के आप अदर साइड जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पटरी कलेक्शन देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको जो है जनपद मार्केट का एंट्री गेट नज़र आ जाएगा। सो आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे मैं आपको एरो शो कर रही हूँ। तो आगे आप जाएंगे, आपको इस तरीके की मार्केट ओवरऑल नज़र आएगी जनपद भवन के ठीक सामने ही। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको बोहो बैग्स, बंजारा ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरीज, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के आप फ़ैन है तो डेफिनेटली ये मार्केट तो आप ही के लिए ही है। मतलब ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं एंड एक तरीके की ये हिडन जेम है। बेसिक आपको इस तरीके के होम डेकोरेशन के आइटम्स भी मिल जाते हैं, पिलो कवर, कुशन कवर के कलेक्शंस मिल जाते हैं एंड टोटली जो ये मार्केट है ये टोटली हैंडमेड की मार्केट है। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आगे आप देखते रहिएगा, मतलब ऐसे ऐसे कलेक्शंस आपको दिखने वाले हैं कि ट्रस्ट मी किसी दूसरे मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। लाइक आप देख सकते हैं वुडन के आपको इस तरीके के बैग्स, क्लचेस के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, मेटल के मिल जाएंगे एंड इनकी जो वराइटीज़ है, ऑप्शंस है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। मतलब पहले जब मैं आई थी कुछ ही पीसेस थे एंड अब लाइक आप देख सकते हैं आपको प्रिंट वाले भी मिल जाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैरायटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्राइस आपको सभी का शो हो रहा होगा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग सकती है मार्केट बट ट्रस्ट मी कलेक्शंस अमेजिंग है। वाले 500 वैसे 500 लगा दिया आपने, कोई सा भी ये अलग अलग के साथ लोगे 600 का पड़ेगा, हैंडल अलग लगा। अच्छा हैंडल अलग से देते हैं। आगे ही आपको इस तरीके के पोटली बैग के कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, आपको बंजारा बैग्स मिल जाएंगे, आपको टोट बैग के कलेक्शंस मिल जाएंगे, इस तरीके के आपको होम डेकोर के कलेक्शंस भी जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना होता है एंड ज़्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही आप समय देंगे तो काफ़ी अमेजिंग कलेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जनपद पालिका सीपी में ही ये मार्केट आपको मिलती है। अभी जो ये कलेक्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये न्यू गुजराती लेन है, जनपद भवन के ठीक सामने ही आपको जाएंगे। यहाँ पे 50 रुपीज़ का आपको एयरिंग्स के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ वराइटीज़ थी एंड सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी आगे आपको अगर आप सिल्वर ज्वेलरीज के फ़ैन हैं ना एंड बोहो बैग्स वगैरह के फ़ैन हैं तो ट्रस्ट मी आपके लिए तो किसी हेवन से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ज्वेलरीज के कलेक्शंस तो आपको नो डाउट जगह जगह देखने को मिल ही जाएंगे। देन हम उसके बाद आगे गए तो यहाँ पे जो केवल इतने से कलेक्शंस थे तो इसे न्यू गुजराती लेन कहते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे लगना स्टार्ट हुई है मार्केट। उसके बाद अभी हम जा रहे जो मेन गुजराती लेन है जहाँ पे टोटली आपको गुजराती कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको बोहो बैंक्स के इतने कलेक्शन एक से बढ़कर एक देखने को मिल जाएंगे, जंग ज्वेलरीज के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। बट उससे पहले जो ये लेन आती है ना, इस लेन में भी आपको बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलते हैं। लाइक आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे स्टॉल बने हुए होते हैं एंड थोड़े से आपको एक्सपेंसिव लग सकते हैं बट अगर मैं चीज़ की क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाएगी। ये वाले स्लीपर को तो मैं हमेशा देखती हूँ, मतलब इतना बड़ा सा उन्होंने लगा रखा है।
यहाँ पे रिसेंटली अभी हैंडलूम आर्ट भी ओपन है, आप विज़िट करना चाहे कर सकते हैं। तो अभी तो हमने नहीं किया क्योंकि हम गुजराती लेन को आए थे एक्सप्लोर करने के लिए। सो हम आगे गए, आगे आपको इस तरीके के छोटे छोटे होम डेकोर का सामान मिल जाएंगे, आपको जो है बेसिक कपड़ों के भी कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ज्वेलरीज की कलेक्शंस, बैग की कलेक्शंस एंड एंटिक पीसेस की कलेक्शंस तो जगह जगह मिलने वाले इस लेन में। अगेन आपको बताना चाहूँगी थोड़े से एक्सपेंसिव लग सकते हैं। एंड आगे इस वाले शॉप में जितने भी कलेक्शन थे सभी यहाँ पे 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, समर के कलेक्शन थे कॉटन के। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके के शॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, कश्मीरी स्टाइल के ड्रेसेस के कलेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। एंड उसके बाद हम और आगे गए तो बस फाइनली 2-4 मिनट की दूरी के बाद हमारा ये गुजराती लेन आ गया है, जहाँ पर विज़िट करने के लिए आपको बिल्कुल भी गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा गुजरात इसी मिनी मार्केट में समाया हुआ है। आपको बिल्कुल कलरफुल बैग्स, अम्ब्रेला एंड ड्रेसेस, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। एंड जैसे इस लेन में आप विज़िट करते हैं ना, आपको टोटली गुजराती वाइब्स आने वाली है, मतलब सारे तो शॉप्स कीपर भी गुजरात के ही है एंड आपको कलेक्शंस भी टोटली गुजरात के मिलते हैं। ये अम्ब्रेला तो मतलब जस्ट वाओ, बहुत ही अमेजिंग मुझे लगे। देन हम उसके बाद गए ये भैया एंड आंटी जी की शॉप है, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन यहाँ पर मिलते हैं। इस तरीके का आपको बैट ट्रेनर वगैरह मिल जाएंगे, क्वालिटी नो डाउट अच्छी होती है। 550 550 बहुत प्यारे लग रहे हैं। और वो सामने वाला? वो वाला 1800 थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो हो जाएगी ना। ये पिलो कवर वो 150 ईच। देन इसके बाद हम आ गए आंटी जी की शॉप में, जहाँ पे पंजारे बैग एंड इस तरीके के आपको बोहो बैग से कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। लुक एट दिस, जस्ट वाओ। इन बैग का प्राइस बताया था आंटी जी ने 1500 एंड इनका प्राइस बताया था 4500 रुपीज़ का। प्राइस आपको थोड़े से कॉस्टली लग सकते हैं अगेन, क्योंकि जो टोटली यहाँ पे कलेक्शन है वो हैंडमेड के है एंड आपको जो है इस तरीके के जो बैग के कलेक्शंस है तो शायद ही आपको किसी और मार्केट में देखने को मिले दिल्ली की। मतलब अमेजिंग लगते हैं मुझे कलेक्शंस, तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। एंड जो ये टोटली मार्केट में जितने भी कलेक्शंस है ना, सभी ये हैंडमेड वाले हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो प्राइस है वो ज़्यादा ही होता है। एंड सारे कलेक्शंस वो डायरेक्ट गुजरात से ही आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने इस मार्केट में विज़िट नहीं किया ना, तो ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ही अमेजिंग मार्केट जो है वो आपके हाथों से बची हुई है, तो डेफिनेटली आपको इस मार्केट में भी विज़िट करना चाहिए। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वो जनपद एंड राजीव चौक दोनों होने वाला है, तो जनपद से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड राजीव चौक से तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको इस तरीके के छोटे छोटे आपको जो पोटली बैग्स के कलेक्शंस होते हैं, क्लचेस के कलेक्शंस होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टेबल रनर एंड बैग्स, बोहो बैग्स, ज्वेलरीज के कलेक्शंस तो भरमार है इस मार्केट में। यहाँ पे कितने क्लचेस एंड बैग्स के कलेक्शंस, तो मतलब इस तरीके के आपको मेटल वाले मिल जाएंगे, सिल्वर टाइप में मिल जाएंगे, मिरर वर्क वाले मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस है। एंड फंक्शंस के लिए, वेडिंग के लिए, मतलब कितने ऐसे एंटिक पीस है कि अगर आप कुछ ना भी कैरी करो ना, सिर्फ इस तरीके के बैग लो तो आपके लुक में तो 4 चांद लग जाने हैं। देन ज्वेलरीज के भी क्या कहने। फिर स्टार्टिंग क्या हो जाती है ये इयररिंग्स की? 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। नेक पीसेस की वराइटीज नंबर ऑफ आपको मिलने वाली है, लाइक चोकर के सेट आपको जस्ट वाओ एंड आपको बैग भी मिल जाएगी। और ये के बैग ये नए आए हैं ना 950 के। एंड यस, वन मोर थिंग, अभी जब हम रिसेंटली गुजराती लेन में गए थे तो वहाँ पे जितने भी शॉप्स कीपर थे सभी की ये कंप्लेंट थी कि जो इस तरीके के बोहो बैग होते हैं, लाइक 3,500-4,000-5,000-7,000 के बैग होते हैं, तो वो आपको 250-300 रुपये बताते हैं, तो 250-300 रुपये के यहाँ पे बैग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये बैग का जो प्राइस है वो ज़्यादा ही होता है क्योंकि टोटली हैंडमेड होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग विजिट करके पता कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की साड़ियों की भी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएगी, लाइक बनारसी साड़ी आपको, सिल्क की, कांजीपुरम, काफ़ी सारे इनके नेम थे जो मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहे हैं, तो ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वो टोटली मतलब ओरिजिनल होते हैं, ड्यूप वगैरह नहीं होता है, तो भी इनके प्राइस इसीलिए ज़्यादा होते हैं। एंड आपको सिल्वर में जंग ज्वेलरीज के कलेक्शंस बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बैंगल्स के कलेक्शंस देखने को मिल जाते हैं।
एंड ये गुजराती लेन है, तो यहाँ पे जो टोटली जितने भी कलेक्शंस है सभी जो है गुजरात में, गुजरात के कल्चर से इंस्पायर होते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के बैंगल्स पहने जाते हैं, ड्रेसेस या किस तरीके के बैग वगैरह ज्वेलरीज यूज़ होता है, वही सभी आपको उस मार्केट में देखने को मिलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ गुजराती लेन जो है वो मिनी गुजरात इसमें बसा हुआ है। लाइक आपको ऐसे ऐसे एंटीक पीसेज, ज्वेलरीज के कलेक्शंस एंड बैग की वराइटीज़ के कलेक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रस्ट में किसी दूसरी मार्केट में आपको नहीं मिलने वाले हैं इतनी ईजिली। एंड कलेक्शंस तो नो डाउट बहुत ही अमेजिंग होते हैं, आपको एयरिंग्स की वराइटीज़ यहाँ पे एक से बढ़कर एक देखने को मिल जाएंगे एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस थे। इस तरीके के आपको पैचेस के भी कलेक्शंस मिल जाएंगे, इसका प्राइस था 650 रुपीज़ का। जैसे ये आप लेके किसी भी सूट या ड्रेसेस जो भी आप स्टिच करवाना चाहें तो उसमें करवा सकते हैं। एंड साड़ियों की वराइटीज़ बहुत ही अमेजिंग थे, आपको इस तरीके के बॉर्डर भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि कोई भी आपकी साड़ी वगैरह आप लेते हैं, मतलब नॉर्मल लेंगे, उसमें अगर आप इस तरीके का ये पैच वर्क करवा देते हैं, बॉर्डर करवा देते हैं, लगा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक बन जाएगा आपकी साड़ी का। एंड ज्वेलरीज तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही, ऐसी ज्वेलरीज आपको शायद ही किसी दूसरी मार्केट में देखने को मिले। आपको सिल्वर जंग ज्वेलरीज में चोकोर्स की भी वराइटीज़ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। सो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, प्राइस आपको थोड़े से कॉस्टली लग सकते हैं, क्योंकि जो ये कलेक्शंस है टोटली हैंडमेड वाले होते हैं। एंड ये जो सिल्वर वाले जो होते हैं ना सिल्वर ज्वेलरीज, ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं सालों साल तक, क्योंकि मैंने कितने शॉपकीपर से कन्फर्म किया था, बिल्कुल भी इनका कलर किसी भी तरीके से नहीं जाने वाला है। सिल्वर जंग ज्वेलरीज़ का जो कलर एक्चुअल है वो कई सालों तक बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। उसके बाद हम आगे गए, आगे आपको अगेन बैग की शॉप मिल जाएगी। सो इन भैया की भी यही कंप्लेंट थी कि जो प्राइस है वो गलत बताया जा रहा है। सो प्लीज़ जो भी वीडियो शूट करते हैं, जो जेन्युइन प्राइस है आप वही बताएं, कोई भी फेक प्राइस या सस्ता, मतलब कुछ व्यूज़ के चक्कर में सस्ते बता के उनके कलेक्शंस को बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए। अब ये वाला बोहो बैग था 3500 रुपये का, एंड कितने ब्लॉगर ने इसे 200-300 रुपये मतलब अदर अदर साइट में डाल रखा है, तो भैया काफ़ी गुस्सा हो गए थे। सो हमने अपना चैनल वगैरह बताया तो वीडियो देखेंगे, ये उन्होंने अपना डिटेल दिया है ऑनलाइन के लिए, मिस्टर आशीष एंड सागर। तो आप अगर ऑनलाइन चाहे बैग के कलेक्शंस तो आप इनसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, ऑनलाइन डिलीवर भी ये कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। सो प्राइस मैंने आपको बता दिया, प्राइस आपको हाई मिलेंगे क्योंकि जो है टोटली ये हैंडमेड वाले होते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी शॉप्स कीपर है बहुत ही पोलाइट एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, लेकिन सच बता रही हूँ कुछ ब्लॉगर के चक्कर में ना जिन्होंने गलत प्राइस बताया, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कस्टमर आ जाते हैं इनकी शॉप में एंड वो वीडियोज़ दिखाते हैं कि आपके का तो इतना प्राइस है, इतना प्राइस है, आप हमें ज़्यादा बता रहे हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, जो प्राइस जेन्युइन होता है आप प्लीज़ जो शूट करते वीडियो, मैं तो हार्डली उन्हीं को बोलूँगी कि आप प्लीज़ जेन्युइन ही बताएं, क्योंकि इनकी मार्केट ख़राब हो रही है एंड शॉप्स कीपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे एंड वो हमें वीडियो शूट भी नहीं करने दे रहे थे। तो बहुत ही कन्विंस करने के बाद एंड चैनल दिखाने के बाद, बताने के बाद, क्योंकि हम पहले भी शूट कर चुके हैं इस मार्केट में, तब उन्होंने हमें शूट करने दिया। सो प्लीज़ अगर आपको कभी भी प्राइस का कुछ भी डाउट रहता है तो आप पर्सनली मार्केट में विज़िट कीजिए, एक दो शॉप पता कीजिए, फिर आपको खुद ही जो है प्राइस पता चल जाता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करने के बाद ले सकते हैं। एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कपड़ों के भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, कुर्तियों के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, कुछ शॉप्स में लहंगा चोली भी अवेलेबल थे। सो उसके बाद हम आ गए एंड उसके बाद हमने मार्केट को एक्सप्लोर करते, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं, छोटी मार्केट है। उसके बाद हमें लग गई भूख, फटाफट हमने खाए फ्रूट चाट बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो जैसे ही आप बाहर निकलते लेन में आपको मिल जाएंगे, फूड कॉर्नर के पास था आई थिंक ये। देन उसके बाद यहाँ के हमने भेलपूरी भी टेस्ट करी, ये भी बहुत ही अमेजिंग थी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी खाई थी एंड उससे पहले भी खा चुकी हूँ, तो मतलब अच्छे हैं, आप खा सकते हैं। सो ओके दैट्स इट, आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, इससे जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीजिएटली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।